कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034, 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। धन वैभव के जिन्हें भाई ना अलग है, चारित्र के जो सच्चे हिमालय है, मंदिर की मूर्तियाँ तो मौन रहती हैं, मंदिर की मूर्तियाँ तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालय हैं। वास्तव में गुरुदेव ऐसे जिनालय हैं। और आज उत्तम शौच धर्म के दिन सच्चे जिनालय जो कि साक्षात तीर्थंकर के समान प्रतिमूर्ति हैं। पंचम काल में हमारा सौभाग्य बड़ी भागी मानुष तन पावा सुर नर पशु सब तरसियावा। कहते हमारा सौभाग्य कि कलिकाल में भी हमें ऐसे दिगंबर साधुओं का दर्शन मिल रहा है जो अंदर से भी दिगंबर हैं और बाहर से भी दिगंबर हैं। अंदर से भी संग रखते हैं और बाहर से भी संग रखते हैं, क्योंकि धर हृदय संतोष करम तपस्या देश सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम सोच सर्व जग जाना लोभ पाप का बाप बखाना। प्राणी सदा सुचशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते नित गंग जमन समुद्र न्यावे असुचि दोष स्वभावते ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधगट सुच कहे। और कहते हैं बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधुल। कितनी सुंदर बात कही है कि धरि हृदय संतोष, क्योंकि कहते हैं चाहे गई चिंता गई मनवा बेपरवाए, और जिनको कछु नहीं चाहिए वे चाहन में बेसाहन में सहाय। कि चाहे गई चिंता गई, चाहे के साथ चिंता भी चली जाती है, और चाहे हो तो चिंता दीमक की तरह होती है, वो एक क्षण को जाती नहीं। आप कहीं देखना दुकानों में शोरूम में आप जाते हैं, जो साड़ी चाहिए जो जेवर चाहिए वो लेके आ जाते हैं, लेकिन जो आंखें ले आती हैं जो दिल ले आता है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। जो ले आते हो वो व्यर्थ हो जाता है, जो नहीं ला पाते हो वही मुख हो जाता है, वो तुम्हारा अमन चैन छीन लेता है। सच पूछो रात में भी वही दिखता है, दिन में भी वही दिखता है। एक पत्नी को बहुत खांसी हो रही थी, पति बोला तेरे को गले में बहुत तकलीफ है, मैं कल कुछ ना कुछ ले आऊँगा। पत्नी बोली वही हार ले आना जो अगले महीने देखा था। अब गले का नहीं दिख रहा उसको कि तकलीफ हो रही है, और पति भी बेचारा महंगे सौदे में पड़ गया, दवाई लाता तो 100-200 की आ जाती, अब हार तो सीधे 50,000 का वाला बता रही है। तो ध्यान रखना हमारी भी, चूहे को सपने आएंगे तो जूठन के आएंगे, बिल्ली को सपने आएंगे चूहे के आएंगे। बिल्ली बोली हमने सपना देखा कि मोटे मोटे चूहों की बरसात हो रही है। कुत्ते ने कहा हमने भी बहुत अखबार पढ़े हैं, आज तक कभी चूहों की नहीं बिल्लियों की बरसात होती। आप समझ लीजिए व्यापारियों को सपने आते हैं व्यापार के आते हैं, महिलाओं को आते हैं श्रृंगार के आते हैं, महिलाओं को श्रृंगार के आते हैं, लेकिन सच पूछो साधुओं को सपने भी आते हैं तो वो साकार हो जाते हैं। सपने उन्हें सील तप व्रत के आते हैं, जो सही में है वही यही भावना बाता है। भोगे जो भोग पहले उनका ना हो वे सुमरण, मैं राज संपदाया पदिंद्र का ना चाहूँ, भटकती है गम ईसा
भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती। किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं, यहाँ सब भिखारी हैं, एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। आप कहोगे माता जी हम भिखारी नहीं हैं, पति पत्नी से वासना की भीख मांग रहा है, पत्नी अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही है, यहाँ तक कि धर्मात्माओं की जब परिभाषा बताई तो आप ध्यान रखना वात्सल्यंग में माँ बेटी का दृष्टांत नहीं दे, कहा धर्मी सौ गौ बच्चे प्रीति सम करने जी धर्म दीपावे। धर्मात्माओं से कैसी प्रेम होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, जैसे गाय को बछड़े से होता है, और बछड़े को भी माँ को देखते ही गुलांटे मरने लगता है, और माँ भी भले बच्चा मर जाए लेकिन मरे बच्चे पर भी भूसा भर कर रख देते हैं तो वो उसको भी चाट कर दूध दे देती, प्यार करके दूध दे देती। इसी प्रकार से कहा है कि धर्मात्माओं को देखकर हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए। कुंद कुंद स्वामी तो रहन सार में कहते हैं कि साधुओं का ख्याल ऐसे रखना जैसे गर्भस्थ बालक का ध्यान माँ बाप रखते हैं। गर्भस्थ कहाँ है, पड़ोसी का नहीं कहा, क्योंकि पड़ोसी को तुम कहते हो हम तुम्हें बेटे से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वक्त आ जाए 1,000 रुपये की फीस जमा करने का तो बेटा 1,00,000 रुपया उड़ा दे। आतिशबाजियों में जन्मदिन पर तो कहते कमाई इनके लिए रहे, और यदि कोई पड़ोसी 1,000 रुपये पता है ज़रूरत है लेकिन उसमें भी हमारा दिल नहीं करता है, और हम बात इतनी हर साल उत्तम सोच धर्म की पूजा कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, लेकिन विरक्ति नहीं आती, व्रत हो जाते हैं विरक्ति नहीं आती है। और क्या कहा है कि सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में, नित्य गंग जमन समुद्र न्यावे असुचि दोष स्वभाव से। आचार्य कहते हैं यदि गंगा में नहाने से मोक्ष मिलता तो सारे मगरमच्छ और केकड़े एक बार में मोक्ष चले जाते, यदि सफेद वस्त्रों से मोक्ष मिलता तो सारे कपास के पेड़ मोक्ष चले जाते, सारे कपड़े के व्यापारी मोक्ष चले जाते, यदि पीछी से मोक्ष मिलता तो सारे मोर मोक्ष चले जाते, यदि कमंडल से मोक्ष मिलता तो सारे नारियल के पेड़ मोक्ष चले जाते, लेकिन यदि नग्नता से भी मोक्ष मिलता तो सारे नार की मोक्ष चले जाते, सारे जानवर मोक्ष चले जाते, क्योंकि 10% जानवरों को कपड़ा मिलता, लेकिन नहीं कहा नग्गो ये मोक्ष मानते, हर कोई इस दिगंबर नहीं हो सकता है, अंतर विषय बासना वरते बाहर राग द्वेष होए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके विदीन संसारी। आप लोगों को दीन कहा है, भले चक्रवर्ती का वैभव जोड़ लेना लेकिन आचार्यों ने तुम्हें को धन्यवाद नहीं दिया, पुण्यवान कहा है लेकिन नमस्कार के योग नहीं बताया तुम्हें, लोकाचार में कोई नमस्कार कर दे लेकिन तुम्हें पूज्य जो आदर्श इंद्र आदि हैं वो तुम्हें नमस्कार नहीं करते, क्योंकि तुमसे करोड़ गुनी विभूति ज़्यादा है उनके पास, लेकिन वो भी एक ही भावना बातें हैं कि स्वर्ग की जेल से कब जाऊं और आप जैसा रूप पाऊं। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही अंतर है,
सम्यक दृष्टि बीत राग देव की पूजा करता है और मिथ्या दृष्टि भगवान की पूजा तो करता है लेकिन कुल देवता मान के करता है। तो ध्यान रखना हमें वो नहीं, हमें तो अंतरंग को सुचिता को लाना है, क्योंकि दुर्गंध दे असुचि मलकी पटारी, दुर्गंध दे असुचि मलकी पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन्ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। कहते वास्तव में ज्ञानी इसको तप के द्वारा, कोयले को लाख दो कोयला सफेद नहीं होता, कोयले को जला दो राख सफेद हो जाएगी, जो निकलेगा वो सफेद निकलेगा। इस शरीर को आप जैसे हाथ पैर हैं, आप जैसा जीवन है, क्योंकि तुम मकान बदल लेते हो, फैक्ट्री बदल लेते हो, सगर बदल लेते हो, कॉलोनियाँ बदल लेते हो, गाड़ी बदल लेते हो, फर्नीचर बदल लेते हो, लेकिन मन नहीं बदलते। और जब मन बदल जाएगा समझ लेना धर्म उसी दिन प्रकट हो जाएगा। मन परिस्थितियां बदलने का, धर्म परिस्थितियां बदलने का नाम नहीं है, धर्म मना स्थिति को बदलने का नाम। नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। आप दान देते हैं तो पुण्य नहीं है, लेकिन आप दान के साथ साथ जो आपकी लोभ कसाई कम होती है, ये आपका परम पुण्य का कारण है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, दानुणा दमुणा चागुण भोगुण भैरप अंगोसो लोह कसाय मोहो पढ़ियो मरियो न संदेहो। क्या कहा है, दानू ना जो दान नहीं देता है, धर्म नहीं करता है, भोग नहीं भोगता है, और कहते हैं वो बहिरात्मा वो पतंगे की समान है जो लोभ रूपी कसाई की अग्नि में मरेगा और नियम से दुर्गति ही जाएगा। इच्छम फलम न लभई जय लभई तम न भोज दे नींदम। कह दिया एक तो लोभी व्यक्ति को मिलता नहीं, मिलता है तो वो तृप्त नहीं होता है, और तृप्ति लगे भी तो किसी प्रकार से छल कपट करके कमा भी ले तो भोग नहीं पाता है, क्योंकि भोगते समय जो मिलता है, आप सब अपनी हालत देखो, यदि संसार नहीं बसा था, शादी नहीं की थी तो लगता था शादी हो जाएगी तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे, ना जाने तुम कौन से आकाश के ताड़े तोड़ लाओगे। हर प्रेमी सोचता है कि हम जैसा प्रेम किसी और ने नहीं किया, लेकिन जब हकीकत की ज़िंदगी में उतरते तो झगड़ा शुरू हो जाता है। आज हमने बहुत तरक्की नहीं की है, पहले घर पति पत्नी को एक संकोच होता था, एक कहना चाहिए झिझक होती थी, किसी के घर में कैसे बोलना, क्या करना, कैसे नहीं, और घर वालों को भी रहता था कि कौन आएगी, कैसी होगी, कि कैसे रमेगी घर में। अब तो माता इतना फोड़ लेते हो शादी के पहले कि माँ बाप भी सोचते हैं भलाई चली जाए तो ज़्यादा अच्छा, ना खाना ना रात का सोना, और बोले अब तो माने बढ़िया नया जमाना, उनके नया जमाना आग लगा दी इस जमाने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034, 400034, श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।